ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान का करप्शन के हवाले से जो रैंकिंग है वो और नीचे चली गई यानी पाकिस्तान करप्शन में और आगे बढ़ गया और ये रिपोर्ट उस जमाने में सामने आई है जबकि इमरान खान का पूरे का पूरा दावा या जोर ही करप्शन को रोकने का है अभी उन्होंने दो तीन दिन पहले तकरीर करते हुए फिर यही कहा कि वो इसी अपने मिशन पे कायम हैं कायम थे और यही पच्चीस साल से उनका मिशन था मगर इंटरनेशनल लेवल पे इस मिशन की जो रिकग्नेशन है वो आपके और हमारे सामने है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सौ चालीसवें नंबर पर खड़ा है करप्शन के मामले में और इमरान खान ने पिछले दिनों ये भी कहा कि पार्लियामेंट में यानी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनको बात नहीं करने दी जाती है यानी जिस पार्लीमेंट के वो वज़ी अज़म हैं ये हैं वो मौजूद जिस पर आज हम थर्ड ओपिनियन में थर्ड ओपिनियन के रूह रवा हमीद बशानी साहब से करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल उनकी क्या बेबसी है कि इतने वो चहेते और लाडले वज़ी अज़म पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट के जो पार्लीमेंट में भी कहते हैं कि मैं बात नहीं कर पाता बशानी साहब वेलकम खुश आमदेद आपको थैंक यू जनाब शुक्रिया ने सर दो तीन दिन पहले अपनी तकरीर का आगाज इस बात पे किया कि मैं आवाम के साथ बात इसलिए कर रहा हूँ मुझे पार्लियामेंट में बात नहीं करने दी जाती इससे आप क्या मुराद लेते हैं देखें जी ये इससे मुराद तो बिल्कुल वाज़े है आपको पता है डे वन से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब की एटिकेट्स हैं ना एक हर चीज़ के एक फोरम के हर अहदे के हर ज़िम्मेदारी के कुछ एटिकेट्स होते हैं वो जो है वो वज़ी अजम वाले नहीं हैं फ्राम डे वन जिस तरह का उन्होंने एक तसादम अंगेज़ किस्म का रवैया अपनाया हुआ है पहले दिन से ले कर पार्लिमेंट को इग्नोर किया पहली दफ़ा जब उन्होंने पार्लिमेंट में वो जा तो बाहर निकल गए थे ये सारी चीज़ें तो उसका तो उसमें तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि वो ना तो पार्लिमेंट के प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और ना उसको उस तरीके से वो कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर सकते हैं तो जाहिर है कि ये अब तीन साल बाद आके ये शिकवा करना कि हमें बात नहीं करने दी जा रही ये तो तभी एक बनता है कि जब आपने कोई एक कोशिश की हो पहली बात है कि पार्लियामेंट के अंदर जो दो तीन कार्रवाइयाँ हुई हैं बड़ी बड़ी उसमें एक तो जो है वो दो तीन बिल पास हुए जिनके बारे में अपोजिशन की बहुत ही सख्त किस्म का ये मौक़ था कि ये बिल जो है वो पास नहीं होने चाहिए या डिबेट के बगैर पास नहीं होने चाहिए जो कि बगैर डिबेट के एक मतलब ट्रैक्टिस इस्तेमाल इस इस करके तो जिस तरीके से उनको पास किया गया दूसरा एक दो दफ़ा उन्होंने जो तकरीर की जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों को घेर घूर के और इस तरीके से जो है वो तकरीर करके तो खुद निकल गए तो ये एक तरह का जो है ना ये गैर पार्लिमानी किस्म का रवैया होता है जी दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लीमेंट्स जो होते हैं ना वो कोई ले मैन नहीं है वो पूरे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं प्राइम मिनिस्टर में और उनमें कोई फ़र्क अगर होता है तो वो सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी के हवाले से होता है बेसिकली दोनों अवाम को रेप्रजेंट कर रहे होते हैं तो उनकी तरफ अगर आप इस तरह के आता अमेज़ किस्म के रवैये इख्तियार करें और स्पेशली जो इनके रुफकाए कार हैं जिन्होंने कि बच्चों की सी सियासत जो है वो अपनाई जिसमें गालियां देना गैर ज़रूरी किस्म की होटिंग करना जैसे ये कोई जो है वो इंटरमीडिएट कॉलेज जो है उसका कोई डिबेट हो रहा है या इस तरह की बातें करना तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो ये निकलना था कि उनको कोई बात नहीं करने देगा तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने एक सच्चाई को तस्लीम किया है और ये बड़ी एक लम फिक्रिया है पाकिस्तान के जो फोर्थ काम ही आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी और इसमें एक बड़ा एक सबक है कि देखें जी पार्लियामेंट्स जो हैं वो फोरम है ही डिबेट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के बगैर डिबेट का कोई मकसद ही नहीं है ऑनलैस के आपका कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो उसमें काम रह गया हो कोई ऐसी चीज़ हो तो चलो एक एक्सेप्शन होती है तो मैं समझता हूँ कि ये आस्ता आस्ता वो अपने फेलियर का वन बाई वन अतराफ़ करते जा रहे हैं जिसमें एक ये भी है कि वो पार्लियामेंट को एंगेज नहीं कर सके जो कि एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है एक डेमोक्रेसी की किसी भी दुनिया के पार्लियामेंटी नाम के अंदर लेकिन बशानी साहब अब तो वो धमकी दे रहे हैं कह रहे हैं कि अगर मुझे इकदार में ना रहने दिया गया तो मैं अपोजिशन का जीना हराम कर दूंगा और सड़कों पे वो सियासत करूंगा जो कि अगरचे वो पहले भी धरनों की सियासत करते रहे हैं लेकिन अब तो उनके पास कोई बेसिस ही नहीं रही कि धरनों की सियासत कर सकें क्योंकि पहले तो उनको एक ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाता था बीस बाईस साल तो उनको बहरहाल आवाम की एक खास परसेंटेज ने या उनके चाहने वालों ने उनको एक ऑल्टरनेट के तौर पर देखा मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो जो ऑल्टरनेट अपने आप को समझते थे जिस बुनियाद पर वो दावा करते थे कि हम एंटी करप्शन हैं वही उल्टा काम साबित हुआ इस सिचुएशन को आप सर कैसे देखते हैं देखें जी ये धमकी तो जो उन्होंने दी है अपोजिशन को बाजार दी है जो उनके लफ्सों से लगता है लेकिन हकीकत में ये धमकी उन्होंने दी है एस्टेब्लिशमेंट को क्योंकि बहुत अरसे एक बात चल रही है कि पाकिस्तान में जो है वो कोई जो बिहाइंड द सीन जोड़ तोड़ होती रहती है वो हो रही है और इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि अपोजिशन को अकोमोडेट करके कोई रास्ता निकाला जाए उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है डिस्पाइट दी फैक्ट के वो अजीब व गरीब किस्म के अहदाद शुमार दे रहे हैं और मै न मानू वाले अदाद व शुमार दे रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है कि आप जो है वो फेलियर और सक्सेस के दरमियान दो चार बिलियन डॉलर पर खड़े हैं सर ये कोई बीस पच्चीस बिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहे हम तो इस सूरत में अगर आप जो है वो कोई दो चार छः बिलियन डॉलर की वजह से डिफ़ॉल्ट करने पे आ जाते हैं या आपका जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है या इस तरह की चीज़ें एक्सपोज़ होती हैं तो जाहिर है कि ये एक बड़ा सामने का मसला है तो इसमें जो है उन्होंने धमकी जो दी है वो इसी तनाजर में दी है चूँकि इसमें ये डिस्कस ये हो रहा है जी कि ये आप डिलीवर नहीं कर सकते चूँकि थ्री एंड हाफ ईयर्स में इन्होंने अगर डिलीवर नहीं किया तो अब जो है एक आध साल में एक आध साल भी ना समझे चूँकि अगला एक साल तो पूरा समझ लें इलेक्शन प्रोसेस में भी चला जाता है तो छः महीने या साल में जो है वो कितना एक कुछ जो है वो डिलीवर कर सकते हैं इस एक और दूसरा ये है कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई इलेक्शन कराएंगे भी तो जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें ये पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये इससे भी दुगना होगा चूंकि आप एक लड़ाई को एक्चुअली डेमोक्रेसी के नाम पे आगे मुंतकिल कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मुमकन है कुछ लोगों ने सोचा हो कि थोड़ा हालात को ठंडा किया जाए जिसके खिलाफ उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की धमकी दे दी और ये जो धमकी है ना इसको जो माजो जुबान में कहते हैं ना अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की बात कि मुझे निकाला गया तो मैं ये कर दूंगा मुंह पे हाथ फेरना और धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार करना ये अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर है ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह के अल्फाज इस तरह का लहजा इस तरह का जो बॉडी पोस्चर है धमकी अमेज़ किस्म का ये तो आजकल जो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं वो भी इस तरह का पोस्टर जो है वो इख्तियार नहीं करते और इस तरह सरेआम लाखों लोगों के सामने जो है धमकियाँ नहीं देते आप क्या किसी का जीना दोबर कर देंगे क्या है आपके पास जीना दोबर आप कर देंगे जो आप डायलाग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो गैर कानूनी और गैर अखलाक्राए इस्तेमाल करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इस तरह किसी का जीना दोबर करना कोई मजाक तो नहीं है ना आप क्या कर लेंगे किसी को कोई आपके घर से खाता है आप किसी को जमीन से निकाल देंगे क्या करेंगे आप यही करेंगे ना कि नैप के जरिए या कुछ ऐसी कंगारू अदालतों के जरिए उनको विक्टिमाइज कराएंगे जो आप पहले से कर रहे हैं तो इस तरह की जो धमकी है मैं समझता हूं कि ये बड़ी इंसल्टिंग है इस पोस्ट के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ओशो आवास में इस तरह का लेजा इस्तेमाल नहीं करेगा यह लेजा ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हालत जंग में مخالفين दुश्मनों के लिए इस्तेमाल कर दुश्मन मालिक के लिए जिनसे वो जंग कर रहे होते हैं कि मैं नस्त तो नाबूद कर दूंगा तबाह कर दूंगा ये कौन सी इमरान ख़ान साहब को आज तक ये पता नहीं चला कि अपोजिशन जो है वो पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है उसके बगैर कोई हुकूमत कोई जो है वो सिलसिला चल ही नहीं सकता चूँकि ये कोई मुमकिन ही नहीं है हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं दुनिया का कौन सा जमहूरी मुल्क है जिसमें सिर्फ जो है हिस्ब इकदार वाले ही होंगे और हिस्ब मखालफ या जेलों के पीछे होगा या आप उनका जीना दोबर कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक अनसीवल किस्म का एटीट्यूड है अनसीविल किस्म की धमकी है और ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि अब जो इनका जहाज है वो डूबना शुरू हो चुका है आगाज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड जिसको आप कहते हैं दूसरे अल्फाज में वो शुरू हो गया है और आप देखते जाएँगे कि अब इनके लहजे में सख्ती आती जाएगी और ये इस तरह के जो है वो दीगर मामला में भी इस तरह का रवैया इख्तियार करते जाएंगे राह सवाल जो दूसरा है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला वो तो इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो शख्स हैं ये आए ही इसी बेस पे हैं कि मैं पाकिस्तान में जो इनका सिंगल एजेंडा था कि मैं जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ूँगा और करप्शन ख़त्म कर लूँगा उसके लिए इन्होंने लोगों को कन्वेंस करने के लिए बेशुमार दलाइल दिए कि करप्शन ऊपर से नहीं होगी तो नीचे से नहीं हो सकती ये है वगैरह वगैरह जो भी इनके दलाइल थे लेकिन वो कहते हैं ना कि हाएक मुक़दस होते हैं फैक्ट्स आर सैक्रेड अब फैक्ट्स ने खुद अपने आप को जाहिर किया अब आप ये देखें कि अब इनके वेल विशर जो है वो कल से लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे और अखबार पे और जो सरकारी मीडिया है मीडिया को अब सरकारी कहना चाहिए पाकिस्तान में उस पर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को डिसक्रेडिट करने के लिए तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस पर थोड़ी तो सी मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए चूँकि इसको बुनियाद बना के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी चूँकि हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी कारदगी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक शक्ल में एक्सपोज हो गई कि आप जो है वो एक सौ सत्रह से एक सौ चालीसवें नंबर पर चले गए तो अब ये हमारा कसूर नहीं बल्कि है ही एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कसूर है क्योंकि अब वो ये कहने से भी रहे कि इसमें पिछली हुकूमत का हाथ है तो इसमें देखना ये है कि ये जो है देखें वो उनके जो आइडियो लाग हैं वो दिला ये दे रहे हैं कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी हैसियत क्या है जी ये जानबदार लोग हैं जी ख़ास तबके को लेके जो एलिट ओपिनियन है सिर्फ उसको काउंट करते हैं इनके सर्वे के अंदाज़ में फ्लाज हैं ये चीज़ मैं आपको बता दूँ चूँकि मेरे इस पर काफ़ी रिसर्च है कि दुनिया का जो भी क्रेडिबल फोरम है उस पर किसी न किसी शक्ल में इस तरह के इल्ज़ाम हैं नॉट ए सिंगल फोरम जिसको आप इससे एग्जेंट करार दे दें जो दुनिया में पावर्टी के हवाले से जो आदाद शुमार जमा करते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा मुल्क गरीब हो रहा है कौन सा अमीर हो रहा है या किस मुल्क में गरीब लोग मजीद गुरबत की तरफ़ जा रहे हैं एजुकेशन के रेटो रेश जो है वो किस मुल्क में क्या है हेल्थ का किस में क्या है अमवाद की शरह क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कोई उठा के देख लें जितने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें के यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ जो है कि की हवाले से भी बहुत सारी तनकीद आप पढ़ेंगे पेजेस एंड पेजेस, चूंकि वो ज्यादातर जो चाइल्ड पावर्टी है और इक्वालिटी है और इस तरह के इशूज़ पर आदा वशुमार लेके आते हैं उनको जिन लोगों के मफादत हैं वो इसी तरह डिसक्रेडिट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से कोई भी फोरम जो है उसको आप 100 परसेंट हम नहीं कहते कि फ़िलहाल ऐसा विच इंक्लूड्स ट्रांसपेरेंसी लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी ने ये जो आदारशुमार दिए ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में दिए पहला बड़ा सवाल ये है और आप ये देख लें कि उसमें दुनिया के 140 से ऊपर मुल्क जो हैं वो शामिल हैं तो उन्होंने हर मुल्क के बारे में वही क्राइटेरिया यूज़ किया जो पाकिस्तान के बारे में किया है अगर वो वही क्राइटेरिया जो है वो इंडिया के बारे में दुरुस्त है ईरान के बारे में दुरुस्त है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में दुरुस्त है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के बारे में आप उसको इस तरीके से एक्सक्यूज़ करके बिल्कुल ही जो है वो डिसक्रेडिट जो है वो नहीं कर सकते बजाय इसके कि आप अपना फेलियर तस्लीम करें और रूलिंग एलिट अपनी रिस्पॉन्सबिलिटी ले और इस चीज़ को तस्लीम करे कि भाई इस तरीके से करप्शन जो है दुनिया के करप्ट तरीन लोगों को जो गुजश्ता बीस साल से मुख्तफ शक्लों में मुख्तु हुकूमतों के अंदर रह के करप्शन करते रहे उनको आप वजीर और मशीर और एडवाइजर बना के तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते पहली बात ये है दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कोई फलाह है भी तो चलें आप एक सौ चालीस पे उसको एक सौ बीस पे ले आते हैं आगे ही गई है ना सत्रह अठारह उन्नीस बीस पे ले जाते हैं तो जिसका मतलब यह है कि आपका ये जो दावा था कि मैं करप्शन ख़त्म करने आया हूँ और सिंगल पॉइंट है मेरा ये आवाम के साथ बहुत बड़ा एक फ्राजुलेंट किस्म का दावा था और उसकी हकीकत जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है आप बेशक उसको जो भी ट्रांसपेरेंसी को जिस माध्यम में डालना चाहें बेशक ये डाल दें तीसरी चीज़ आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो करप्शन के चारों तरफ मज़ाहिर आपको नजर आते हैं एक्सप्रेशंस इन डिस्प्ले करप्शन ऑन डिस्प्ले ऑन एवरीवेयर उसमें से किस चीज़ में कमी हुई है क्या पाकिस्तान में जाली डिग्रियां बननी बंद हो गई हैं कोई नहीं मिलती किसी को चाहिए डिग्री तो आज क्या पाकिस्तान में ये जो प्रोफेसर जाली पेपर लिखते हैं और इंटरनेशनली डिसक्रेडिट होते हैं इस पे कोई पाबंदी या कंट्रोल आ गया क्या पाकिस्तान ने पटवारियों ने तहसीलदारों ने और डेप्यूटीज़ ने और पुलिस वालों ने जो है वो रिश्वतें लेनी और आवाम से पैसे लेके उनके काम के रास्ते में रुकावटें बनना हल करने के बजाय वो ख़त्म कर दिया कोई काम आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट से लेके तो डेथ सर्टिफिकेट तक कोई डॉक्यूमेंट आप बगैर रिश्वत दिए आनलस के आप एक इन्फ्लुशल आदमी हैं सोसाइटी में नाउन है या कोई आपका ऐसा इन्फ्लुएंस है इसके बगैर आप जाके लेके देखें किसी भी शख्स से तो जिस सोसाइटी के अंदर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और निकाह नामा जो है वो रिश्वत के बगैर नहीं दिया जा सकता तो आप कहें जी इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आ गए क्योंकि मैं ऊपर बैठा हुआ तो मेरे नीचे कोई जो है वो रिश्वत नहीं ले सकता तो ये बहुत बड़ा झूठ है पाकिस्तान में जिस तरीके से रिश्वत आज से पाँच साल पहले थी उससे दुगना चुगना है पुलिस करप्शन है पुलिस टार्चर है जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर जो रिलेटेड है गवर्नमेंट सर्कल के साथ के मसलन ये जो हाउसिंग स्कीमें हैं परमिट इश्यूज़ हैं ये सारी चीज़ें एक पूरा हैंड टू हैंड जिसको आप कहते हैं रिश्वत में जो है वो डूबे हुए हैं तो ये कहना कि जी हमने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया और फिर इस पर इंसिस्ट करना कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गुजशत बीस साल से एक क्रेडिबल जो है वो अदाद शुमार लेके आ रही है उसको डिसक्रेडिट करके आप बच जाएंगे तो फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफज है आप देख लें जहाँ टॉप बास जो आपका टॉप चोटी की लीडरशिप जो है उसकी इस तरह की बचकाना किस्म की अप्रोच हो इस तरह के इश्यूज़ पे वहाँ आप किस तरह किसी पॉजिटिव चेंज की तो रख सकते हैं तो बिशानी साहब इनके पास तो एक ही जिसे कहते हैं बेट थी कि जी हम एंटी करप्शन हैं वो ख़त्म हो गई अब जो हमने इनकी बाईस पच्चीस साल पॉलिटिक्स देखी है तहरीक इंसाफ की और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान की उसमें यही था कि इनको एक ऑल्टरनेट के तौर पर समझा जाता था अब आवाम भी इनको ऑल्टरनेट के तौर पर नहीं समझ रही चूँकि ये अब जाने जा चुके हैं अपने नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अब इनकी हकीकत खुल चुकी है तो इस सारी सूरत हाल में अब ये किस बात पे आवाम के पास जाएंगे और जिस गुस्से का ये इजहार कर रहे हैं उस गुस्से को अवाम कैसे अब बाय करेगी देखें जी अब इनके सामने जो वायद एजेंडा है वो मज़हब है ये मज़हब को बातों रे हथियार इस्तेमाल करेंगे और करेंगे क्या करना शुरू कर दिया है उन्होंने आप इनके गुजशत एक साल की एक्टिविटीज़ को अगर गौर से देखें जिस तरीके से इन्होंने बयान देने से लेके तो कॉन्फ्रेंस करने से और ये सारा बजट एलोकेशन और जिस तरह का पाकिस्तान में नसाब तालीम के हवाले से जो ब्लंडर किए हैं और ये सारी चीज़ें आप सामने रखें तो इनका नेक्स्ट हथियार जो है वो होगा मज़हब और वो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होगा जिस तरह करप्शन को इन्होंने यूज़ किया था कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत हैवी हैंड किस्म का स्टैंड ले आ रहे हैं और इसको फिक्स करेंगे और ये चीज़ जो है ये सोसाइटी को मजीद आगे जो है वो तबाही की तरफ लेके जाएगी दो पॉइंट होंगे एक इनका ये होगा दूसरा ये अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के नाम पर सख्त लहजा इख्तियार करेंगे जैसा कि इनकी तकरीर से ज़ाहिर हुआ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आप कहते हैं जी मैं इकदार में आ गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा इकदार से गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा तो ये जाहिर है गुंडागर्दी का एक एक्सप्रेशन है ये कोई रूलिंग का या किसी भी मुल्क में गुड गवर्नेंस का या किसी भी इस तरह के बड़े आला अलादेदार की एटीट्यूड नहीं है तो मैं समझता हूँ कि अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्लोगन जो है वो मज़हब बनने वाला है और इस हिसाब से सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी पोलराइजेशन होगी और ये हो सकता है कि ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ़ धकेल के ले जाएं चूंकि अभी तक इनको अपने मामलों की शिदत का एहसास नहीं है ए, पाकिस्तान में सोसाइटी जो है वो कंस्पायर पे चीज़ चल रही है इस वक्त आप देखें किसी आदमी से पूछें वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तक नहीं मानते कि यहाँ तहरीक तलबा ने पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करती है कहते हैं जी ये मीडिया ने हवा खड़ा किया हुआ है कुछ लोग ये तक नहीं मानते कि यहाँ पे इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई अस्सी हज़ार आदमी मारा गया कहते हैं जी ये सब झूठ है मीडिया वाले अपने मफाद के हवाले से बना के पेश करते हैं तो जिस सोसाइटी के अंदर इस तरह की सोच मौजूद हो जिसका मतलब ये है कि लोग अंधेरे में या खाबों की दुनिया में रहते हैं हाइक को वो बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं तो वहाँ पे आप मजहब का नारा लेके या मज़हब के नाम पे जो है वो बहुत सारी कोवतों को इस तरीके से जो है वो इंस्टिगेट करके तो मखालफी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये माजी में ऐसे होता आया है और ये इसी तरह की मुझे लगता है कि नेक्स्ट इनका स्टेप यही होगा मुझे आपने कहा कि माजी में भी मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल किया जाता रहा और ये भी अब मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आ, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी और इनकी लैंग्वेज भी इमरान ख़ान साहब की बताती है कि इनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर वो बहुत ही ख़तरनाक हैं तो ये मजहबी कार्ड या करप्शन के ख़िलाफ़ जो कार्ड है ये सब जो सियासी शोबाबाजियाँ हैं ये इनके काम आती नज़र नहीं आ रही तो उस सूरत में पाकिस्तान మే గవర్నన్స్ కా డాంచా క్యా హోగా ఇన్కి హుకుమత్ కో క్యా గిరా دیا జాయేగా యా అర్లీ ఎలక్షన్ కి కాల్ దే ది జాయేగి క్యా ఆప్కో నజర్ ఆతా హై గ్రౌండ్ పే దేఖేం జీ ఉసూలీ తోర్ పే తో మే తో ఇస్ కే హక్ మే హూ క అర్లీ ఎలక్షన్ నహీ హోనే చాయే ఇన్కో ఇన్కా టైం పూరా కర్నే కా మోకా دیا జాయే తాకే అవామ్ కో కিসি కਿਸమ్ కే షాక్ ఓ శుభే కి గంజాష్ న రహే ఇన్కో అగర్ ఆప్ 30 డేస్ బి పేhle ఉతార్ dete hain तो इनका सारा फोकस ये होगा कि ये जनाब जो है हमें चूंकि तीस दिन पहले उतारा गया वरना हम पता नहीं क्या कर देते चूँकि वो झूठ की एक पूरे सिलसिले पे उनका सारा स्टैंड ही जो है वो झूठ पे खड़ा है तो मैं समझता हूँ कि अब अपोजिशन भी ये बात महसूस कर रही है कि इनको निकालने में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए चूँकि इस तरीके से ये शाहिद होने की कोशिश करेंगे और लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करेंगे जो कि टोटली नाकाम हो गए हैं जो भी उनके आदाद व शुमार हैं या वो चीज़ें बना के पेश कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया और इसके नतज़ पाँच साल बाद निकलेंगे या फला हमने प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया हालांकि वो प्रोजेक्ट्स का जो अशर हो रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है अभी रिसेंटली कोर्ट्स ने किस तरह के डिसीजन करने शुरू कर दिए तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा एक अहम बात नहीं है कि इनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इनको पूरे तरीके से एक्सपोज़ किया जाए और अपोजिशन जो है वो अगर आके इकतदार की आके हुक्मरानी की बात करती है तो वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सामने आए इनकी तरह नहीं कि साल बाद आके लोगों को कहे कि जी इन्होंने दिवालिया मुल्क हमारे हवाले कर दिया था अपोजिशन को आज पता होना चाहिए कि इनके ख़जाने में कितने पैसे हैं इनके ज़िम्मे कर्जे कितने हैं मुल्क के जो इंडिकेटर्स हैं इशारे हैं वो क्या बता रहे हैं और हम क्या टेक ओवर करने वाले हैं वरना ये तो वही बात हो गई ना कि आप आ रहे हैं उसी प्रीटेक्ट में हैं कि जी अब ये जो है करप्शन भी एक से 140 पे चली गई ये डिलीवर भी नहीं कर सके इन्होंने कोई जो मंसूबा भी पूरा नहीं किया करोड़ों जॉब जो थे करोड़ों हाउसिंग जो थी वो सारे के सारे मामला ख़त्म हो गए तो अब आप हमें आने दें तो आप आने से पहले भी ये बताएं अवाम को कि आपने आके क्या करना है मैं ये समझता हूँ कि ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता अगर इनको कुछ अर्सा और दे दिया जाए जो है वो बहुत सारे मामला से बचने के लिए जो ये क्रिएट कर सकते हैं इस सिचुएशन में तो बचाली साहब एक तरफ तो ये बात असूली तौर पर ठीक है कि इनको अपना वक्त जो है अपना जो टाइम है वो पूरा करने का हक मिलना चाहिए जिससे एटलीस्ट इनके पास कोई सियासी शहीद बनने का जवाज नहीं रहेगा लेकिन आपने ये भी सूरत हाल बताई कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े फेलियर की तरफ जो इकनॉमिक फेलियर है उसकी तरफ जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे मरासम जिस तरह बिगड़े हैं वो भी उस हमारे सामने हैं तो क्या डेढ़ बरस पाकिस्तान के पास है कि इतने सीवियर इकनॉमिक क्रंच में वो गुजार सकेगा देखें जी डेढ़ बरस अगर उस तरह देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है लेकिन ये जो दो चीज़ें इनको हैं जो बहुत बड़ी अलार्मिंग हैं ये मैं आपको बता दूं जो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये तबाही की तरफ जा रहे हैं बल्कि वो ऑलरेडी जो है ऑन द वर्ज ऑफ कुल हैं कम अज़ कम इकानोमी के हवाले से पहली चीज ये है कि ये जो है वो आ, जब इमरान ख़ान जाएंगे इकतजार से तो जो अदाद शुमार बता रहे हैं उसमें यह है कि इनके ज़िम्मे पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज़ा होगा वो दोगुना हो जाएगा और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है बल्कि आप वो देख लें कि जिस रफ्तार से वो कर्ज़े ले रहे हैं जिस तरीके से आई एम एफ़ के साथ उनकी एडजस्टमेंट हुई है और जिस रफ्तार से उन्होंने कर्ज़े वापस पे बैक करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने एक एकसाथ पे करने के लिए उनको अगर आप जमा करें जरब दें बाई ट्वेंटी फोर मंथ्स तो आपको सामने नजर आ जाएगा वो दुगने हो जाएंगे अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी आएगा दो साल बाद या डेढ़ साल बाद वो उन कर्ज़ों के साथ किस तरीके से निपटेगा पाकिस्तान में कोई ख़जाना तो निकलने वाला नहीं ना जिसकी अशी ये जो खुशखबरियाँ ये ख़ुद सुनाते रहे कि कभी समुंदर से तेल निकलने वाला है और कभी कोई जजीरा सोने का जो है वो बरामद होने वाला है वो सारे तो जाहिर है साफ़ हो गया कि वो झूठ बोलते थे तो पहली बात यह है कि कोई भी बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट इस मसले का हाल बताए कि जब ये कर्ज़े दुगने हो जाएंगे तो इनका इंटरेस्ट रेट और इनकी जो पर मंथ आपकी मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके लिए रिसोर्स आपके पास कौन का, सा ऐसा ज़रिया है जिससे आप लेके पे करेंगे नंबर एक नंबर दो ये है कि आपने थ्री एंड हाफ ईयरस में जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन हैं उसके अंदर जो है आपने जितने भी इकदाम किए वो सारे काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए सबसे पहले अमरीकी की तरफ से आप डिसक्रेडिट हुए और अमेरिका से डिस्क्रेडिट होना मुमकिन है आम हालात में कोई बड़ी बात ना हो लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक और पाकिस्तान की हिस्ट्री को सामने रखते हुए ये बहुत बड़ी बात है बल्कि ये एक तूफ़ान है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अमरीका से बिलियनज़ ऑफ डॉलर लिए हैं दुनिया के दो चार पाँच मुल्कों में पाकिस्तान हमेशा हर दौर में शामिल रहा है इसराइल इजिप्ट और इस तरह के मुल्कों में जिसके इसको या नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर मदद जो है वो हर दौर में मिलती रही और उसके पहले के जो वाकियात हैं उनको अगर आप खोल के देखें तो आप यादाद शुमार देखें तो पाकिस्तान चलता ही जो है वो सिर्फ अमरीकी इमदाद पर रहा है अगर सच्चाई की तरफ आप जाके देखें ख्वा वो गंदम की शक्ल में हो या नई एक जो है वो नकदी की शक्ल में हो या मिलिट्री एड की शक्ल में हो मुख्तलिफ हवालों से मेडिसन मुख्तलिफ उसके अंदर रह के तो ये जो अमेरिका ने उनको इस तरीके से टोटली जो है वो बाहर निकाला तो उसके नतीजे में जाहिर है कि पाकिस्तान टोटली आइसोलेशन में चला गया जिसमें उसके अरब जो हैं वो सरफरिस्त हैं जो इस बात की बार बार तस्दीक करते हैं जो हम गुजशत बीस साल से कह रहे हैं कि ये जो अरब स्टेट्स हैं ये बुनियादी तौर पर अपने आप को अमरीका की एक कलूनी समझ कर उस पर फख्र महसूस करते हैं और अमरीकी आशीर्वाद एजाज और उसके कहे बगैर वो दुनिया में कोई बड़ा डिसीजन जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है ये आपने ट्रंप के ज़माने में भी देख लिया था जब उन्होंने सऊदी अरब को ले आके इनके सर पे बिठाया था उसके बाद भी उससे पहले क्लिंटन वगैरह के दौर में जो तुर्की वगैरह के हवाले से मामलात हो रहे थे तो ये पाकिस्तान के लिए इस तरीके से सरवाइव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वक्त में वो इन सब लोगों से वेस्ट के साथ भी अमेरिका के साथ भी और अपने जो मेन रिसोर्स ऑफ इनकम है जिसमें सऊदी अरबिया वगैरह शामिल हैं उनके साथ इस तरह की रिलेशनशिप में चला जाए तो वो ज़ाहिर है कि आपके सामने है उसके अलावा उन्होंने फिर जिस तरीके से कश्मीरी इशू को मैसअप किया और उसके बाद उस पर टोटल सरेंडर किया हाल ही में आपने देख लिया होगा कि यूनाइटेड अरब इमरट्स ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की उस पर पाकिस्तान की वजारत खारजा या दाखिला या किसी और तरफ़ से एक लफ्स टैक भी जो है आपने नहीं देखा होगा कि आया हो प्रोटेस्ट में या हमायत में या उसकी ए, उस तरीके से ऊपर से इनकी इकनॉमिक पॉलिसी आई जो तजादाद तो का एक मजमु है और उसको सामने रखते हुए ये लगता है कि अब ये अंधेरे में जो है वो घूम रहे हैं उनके पास कोई ना डायरेक्शन है और ना उनको पता चल रहा है कि हमें करना क्या चाहिए चूँकि दे हैव लास्ट देयर ग्राउंड्स जो बुनियादी तौर पे जिन मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने लोगों से वोट लिए थे उसमें करप्शन थी उसमें पड़ोसियों के साथ का जो है वो दुरुस्त करना था जिसमें हिंदुस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया उसमें जो है वो इकानोमी के हवाले से ट्रेड और इन चीज़ों पे जो है वो पड़ोस में मामला करने थे इन सब चीज़ों में फ़ेल होने के बाद अब उनके पास किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रही है और ये मुझे लगता है कि अगर ये किसी तरीके से अगर दोबारा एलेक्ट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ड्राबैक होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए चूंकि ये साबित हो गया है कि दे नो क्लू ऑफ़ गवर्नेंस और और इवन इंटरनेशनल रिलेशन बुशाइन साहब आखिर में कैसे आप इसको समाप्त करेंगे जो इस वक्त के ग्रेव सरकमस्टांसिस हैं पाकिस्तान के आ, वो क्या सॉल्व हो सकते हैं अगर हो सकते हैं तो क्या उसका रास्ता हो सकता है देखें जी इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई ना तो उसके बाद जो एथिकली होना चाहिए वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे के चले जाएं क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ा स्लोगन था उस पर वो फेल हो गए लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा करेंगे नहीं बल्कि वो तो एक लड़ाई की दावत दे रहे हैं और एक खाना जंग की, की सी धमकी जो उन्होंने दी है गुज्ता दिनों टी वी पर वो दे रहे हैं तो इसलिए मुझे ये लगता है जनाब कि इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है इनके लहजे में सख्ती आती जाएगी और ये एक एग्रेसिव किस्म का जो है वो पोस्चर इख्तियार करेंगे और वैसे भी इन्होंने अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को इकट्ठा किया हुआ है वो गालियाँ देने और एक नेकड किस्म का एग्रेशन जो है अपोजिशन पर निकालने के आदि हो चुके हैं और ये सूरत हाल एक ऐसी है कि जो मुल्क को बिलाकर जो है ना एक बड़ी जो है वो इंटरनल इनरेस्ट और सिविल वार की तरफ ले जा सकती है ये मैं आपको बता दूँ बहुत शुक्रिया बशानी साहब आपने अपने ख्याल का इजहार किया आपके अपने शो में थर्ड ओपिनियन में व्यूर्स बातचीत सुन रहे थे आप बिरस्टर हमीद बशानी साहब की जो थर्ड ओपिनियन के रूहे रवा हैं आप टैग टी वी को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ टैक टी वी के डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज का तबसरा बिरिस्टर हमिद बशानी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया thank you